भगवान महावीर स्वामी के 2550वें निर्वाण महोत्सव के उपलक्ष्य पर श्वेत पिच्छाचार्य श्री 108 विद्यानंद जी मुनिराज के परम प्रभावक शिष्य परम्पराचार्य श्री 108 प्रज्ञ सागर जी महामुनिराज की पावन प्रेरणा एवं सानिध्य में दिनांक 4 जुलाई 2023 से पावापुरी अहिंसा रथ यात्रा चलाई गई, जो प्रतिदिन देश के विभिन्न स्थानों पर भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांतों को पहुंचा रही है। दिनांक 29 अगस्त 2023 को प्रातः 6 बजे पावापुरी अहिंसा रथ यात्रा दिल्ली के कालका जी स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर पहुंची। सर्वप्रथम मंत्रों की ध्वनि के साथ संगीतमय वातावरण में क्रमानुसार प्रभु का अभिषेक पूर्ण भक्ति भाव से किया गया। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं बं मं हं सं तं पं बं बं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झीं झीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रवे द्रवे नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्रतर्जलिञ्जिन्मभिषेचयामि स्वाहा। तीर्थोत्तम भवै नीरै क्षीरवाद्रिरूपकै स्नाप्यामि सुजन्माप्तान जिनार सर्वसिद्धितान। सभी अभिषेक करते जाएंगे। ओम ह्रीं बृहस्वादी वीरांताञ्जले निस्नाप्याम। 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 इस दौरान मंत्रों की ध्वनि से मानो समस्त वातावरण खिल उठा। तत्पश्चात मंत्रोच्चारण की ध्वनि के साथ प्रभु की शांति धारा पुण्यशाली भक्तों द्वारा की गई। इस सौभाग्य को प्राप्त कर भक्तों में एक उमंग छा गई। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं बं मं हं सं तं पं बं बं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झीं झीं क्षीं क्षीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रवे द्रवे नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्रतर्जलिञ्जिन्मभिषेचयामि स्वाहा। तीर्थोत्तम भवै नीरै क्षीरवाद्रिरूपकै स्नाप्यामि सुजन्माप्तान जिनार सर्वसिद्धितान। सभी अभिषेक करते जाएंगे। ओम ह्रीं बृहस्वादी वीरांताञ्जले निस्नाप्याम। 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 संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्रसामानितपोधनानां देशशिरसि पुरुषशिराज्ञा करोतु शान्ति भगवान् जिनेन्द्र। अभिषेक एवं शांति धारा के पश्चात भक्तजनों द्वारा 24 तीर्थंकर भगवानों को पूर्ण विधि विधान के साथ अर्घ अर्पित किया गया। तत्पश्चात महाआरती करने का सौभाग्य पुण्यशाली भक्तों को प्राप्त हुआ, जिसमें उपस्थित भक्तों ने कर्मानुसार प्रभु की आरती पूर्ण भक्ति भाव से उतार कर असीम पुण्य का संचय किया। आरती कीजिए पंच परम पद भज सुख लीजिए पहली आरती श्री जी ने राजा
भवे दधि पारे उतारे जे हाजा, यह विधि मंगल आरती कीजे। पंच परम पद भज सुख लीजे, दूसरी आरती सीधन केरी। सुमिरन करत मिटे भव फेरी, ये विधि मंगल आरती कीजे। पंच परम पद भज सुख लीजे, तीसरी आरती सूरि मुनिंदा। जन्म मरण दुख दूर करेंदा, यह विधि मंगल आरती कीजे। पंच परम पद भज सुख लीजे, चौथी आरती श्री उपजाया। दर्शन देखत पाप फलाया। इस दौरान भक्तों द्वारा अपने भाव भी प्रस्तुत किए गए। ये पावापुरी की छवि को दर्शाता हुआ रथ बहुत सुंदर रथ है। ये पूरे भारतवर्ष में घूम के धर्म की प्रभावना बढ़ाएगा और भगवान महावीर की जो भी उनके अच्छे आचार संस्कार उन्होंने भक्तों को दिए हैं वो सब जन जन में पहुंचाएगा। ये बहुत अच्छी एक पहल है, ये हमेशा कंटिन्यू रहनी चाहिए, हर वर्ष होनी चाहिए ये। जय जिनेन्द्र। परम पूज्य आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हम कालकाजी क्षेत्र के सभी जैन श्रावक भगवान महावीर के 2550वें वर्ष की निर्वाण महोत्सव की जो प्रतिक्रिया चल रही है उसके लिए हम समाज की ओर से भगवान के चरणों में शत शत नमन करते हैं, शत शत नमन करते हैं। ये प्रयास समाज की तरफ से आचार्य श्री की आज्ञा अनुसार जो किया जा रहा है बहुत ही सराहनीय है। हम इसकी तहे दिल से जो है हम इसको तहे दिल से अनुमोदना करते हैं। जय जिनेन्द्र। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। आचार्य श्री श्रुत सागर जी महाराज की जय। यह रथ जो आज हमें पावापुर जी के साक्षात दर्शन करवा दिया और हमें भगवान महावीर भगवान के निर्वाण स्थली के साक्षात दर्शन करा के एक साल जो ये महोत्सव चलने वाला है उसके लिए बहुत अच्छी तैयारी शुरू कर दी। जिन धर्म की प्रभावना बहुत ज़रूरी है और यह एक बहुत अच्छा माध्यम है, हम सभी कालका जी परिवार इसकी बहुत अनुमोदना करते हैं और बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि हमें भी यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। जय जिनेन्द्र। दर्शकों, दिनांक 29 अगस्त को दिल्ली के कालकाजी स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर में जब पावापुरी अहिंसा रथ यात्रा पहुंची तो इस सौभाग्य को प्राप्त कर भक्त अति उत्साहित नजर आए। बड़ी संख्या में भक्त इस अवसर पर सम्मिलित हुए। दर्शकों, इसी क्रम में दिनांक 1 सितंबर 2023 को पावापुरी अहिंसा रथ यात्रा का दिल्ली के ग्रीन पार्क स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर में प्रातः 6 बजे आगमन होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। जय जिनेन्द्र।